as well as educator of One Academy Plus. So today's topic, so that is concepts of the day. आज inverse functions के बारे में बताएंगे, जो what is inverse functions, इसका geometrical significance क्या है and varieties of inverse functions as well as number of one-to functions. So before that I want to say few words about Young Mind Math Series video lectures. At the lockdown period I have made clear a video series which contains 145 video lectures and total questions I have discussed here 1300. Those who are preparing for JEE Mains, BSAT, West Bengal JEE or any other JEE exams, so they can watch this series. Definitely it will help you. After practicing 1300 questions, definitely you feel comfortable in the subjects. And so this is Ranker's Math Series. Ranker's Math Series, that is strictly for JEE Advanced students, those who are very good in mathematics, so they can watch this is Ranker's Math Series, and it is for JEE Advanced and Olympiad students. Clear? So normal students ये video series को ना देखें, they clear. So that means क्या आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, लेकिन जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं खाली वही इसको फॉलो करें, ठीक है। मुझे जो लगता है इस पे 250 वीडियो लेक्चर्स है. All questions are very good, innovative, scientific, constructive and conceptual questions. This type of questions generally asked in JEE Advanced and Olympiad exams. So now आज का जो topics है that is concepts of the day, so that is inverse functions, ठीक है। अभी हम लोग inverse functions के बारे में डिस्कस करेंगे. So this is inverse functions क्या होता है, देखो inverse functions, so that means क्या inverse functions का मतलब है क्लियर. फर्स्ट ऑफ ऑल दैट फंक्शन सीज 1-1 होना चाहिए एज वेल एज 1-2 होना चाहिए, क्लियर। जब दो कंडीशंस फुलफिल होगा देन यू कैन से सो द इनवर्स फंक्शंस एग्जिस्ट है. सपोज यू कंसीडर्स लाइक दिस, दिस इज x be a non-empty sets, x and y are two non-empty set. So this is x set consists of, this is 1 2 3 4 5, and b set consists of, suppose you considers 8 9 and 10 है, ठीक है। If is a bijective functions from a to, clear, x to y है, then you can make another functions g from y to x, so that time you will say that g is the inverse of f. X and y are two non-empty set. F is a bijective functions from x to y, clear, then we can make another functions g from y to x. g को बोलोगे, so that is f inverse है, ठीक है, क्लियर। f इनवर्स का मतलब है, इनवर्स एग्जिस्ट का मतलब है दैट फंक्शंस इज 1-1 एंड ऑन टू फंक्शंस, क्लियर। इफ द फंक्शंस इज नॉट बाइजेक्टिव इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट है, जैसा देखो क्लियर। यहीं पे क्या है देखो, सपोज इफ यू कंसीडर्स लाइक दिस, f(x) = x plus 5 है. If you want to find out the inverse of this one, so क्या करोगे, क्लियर, एफ एक्स को आप वाई कंसिडर कर लो, लेट वाई इक्वल टू इज व्हाट ना एक्स प्लस 5 है. सो यू विल एक्सप्रेस एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई, सो दैट इज व्हाट, तो एक्स का वैल्यू क्या होगा ना वाई माइनस 5 है. फिर क्या करोगे ना जो एफ इनवर्स एक्स है, एफ इनवर्स एक्स को लिखोगे आप एक्स माइनस 5. जो इनवर्स फंक्शंस है दैट इज द एलिमेंट ऑफ एक्स. देखो यहीं पे एक्स है, सो दिस इज ए तो वाई देगा, ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू वाई है. सो दैट मीन्स क्या जो फंक्शंस है, इसीलिए हम लोग लिखते हैं वाई इक्वल टू एफ एक्स है. अभी जी ऑफ वाई, जी ऑफ वाई क्या होगा ना, सो दैट इज एक्स है, ठीक है. सो दैट मीन्स क्या जी ऑफ वाई इक्वल टू एक्स है. जी ऑफ वाई का ही मतलब है एफ इनवर्स एक्स है, ठीक है. सो दैट मीन्स इनवर्स ऑफ ए फंक्शंस क्या है ना एक्स का एलिमेंट होगा, ठीक है. ये है कंसेप्ट. जियोमेट्रिकली यू कैन से, जियोमेट्रिकली ये दोनों का बीच में क्या रिलेशंस है. सपोज हियर कोई एक फंक्शन ऐसा है, सो ऐसा एक फंक्शन है, सो दिस इज एफ एक्स है, ठीक है, एंड दिस इज द लाइन वाई इक्वल टू एक्स है. सो दिस इज ए क्या है ना ए एफ एक्स है, ठीक है, ए क्या है, सो दिस इज वाई इक्वल टू एक्स है. तो एफ इनवर्स एक्स क्या होगा, सो दिस इज एफ इनवर्स एक्स इज द इमेज ऑफ एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू द लाइन वाई इज इक्वल टू एक्स है. सो दैट मीन्स क्या इनवर्स फंक्शंस का जियोमेट्रिकल सिग्निफिकेंस क्या है ना एफ इनवर्स एक्स इज द इमेज ऑफ एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू द लाइन वाई इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। सपोज आपको पूछा जाए एफ एक्स एंड एफ इनवर्स एक्स का बीच में क्या डिफरेंस है, ना एफ इनवर्स एक्स इज द इमेज ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू द लाइन वाई इज इक्वल टू एक्स है। अभी जब इन्वर्स फंक्शंस के बारे में, ठीक है, इन्वर्स फंक्शंस के बारे में ये कंसेप्ट आपको मालूम होना चाहिए। देखो इन्वर्स फंक्शंस एक नंबर जो पॉइंट है, इन्वर्स फंक्शंस कब एग्जिस्ट होगा ना जब फंक्शंस बाइजेक्टिव है। इफ द इन्वर्स ऑफ ए फंक्शंस इज क्लियर बाइजेक्टिव बिना इन्वर्स फंक्शंस डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। जिस फंक्शंस का इन्वर्स एग्जिस्ट है उसको बोलोगे इन्वर्टिबल फंक्शंस, ठीक है। यू कैन फाइंड आउट द इन्वर्स ऑफ ए फंक्शंस इज यूनिक। यूनिक का मतलब है जो इन्वर्स फंक्शंस होगा एक ही फंक्शंस आप बना सकते हो, क्लियर। वन यूनिक, यूनिक का मतलब है वन एंड ओनली वन, नो अल्टरनेशंस इज देयर। यहीं पे क्या लिखा है देखो, ज्योमेट्रिकली एफ इनवर्स एक्स इज द इमेज ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू द लाइन y is equal to x. In another way also you can say f inverse x is the symmetrical with respect to the line y is equal to x, ठीक है। इमेज को आप सिमेट्रिकल भी बोल सकते हो। अभी देखो यहीं पे जो है, यहीं पे ये क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करोगे, लेट एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन। जो जब भी देखो ये जो फंक्शन है इसका ग्राफ को आप ड्रॉ करो, एफ एक्स इक्वल ये कोऑर्डिनेट एक्सेस है, ये जो ग्राफ है सो लाइक दिस, यहीं पे मैंने ओपन सर्किट ड्रॉ कर दिया क्योंकि यहीं पे जो कंडीशन है एक्स इज पॉजिटिव है, ये कोऑर्डिनेट एक्सेस है, सो दिस इज एक्स, सो एक्स डैश एंड सो दिस इज वाई, वाई ओ वाई डैश, ठीक है। एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन का क्या मतलब है, एफ एक्स वाई इक्वल टू इज वाई, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन। सो यहीं पे क्या है देखो ना, यू विल एक्सप्रेस एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई, so x square equal to y minus 1, so this is x equal to under root of y minus 1, since x is positive तो positive 1 को consider करोगे, so therefore f inverse x क्या होगा, नहीं पे वो आपको पता है f inverse x किसका एलिमेंट है ना, x का एलिमेंट है, इसीलिए x minus 1 लिखते हैं, ठीक है, क्लियर। सो दैट मीन्स एफ इनवर्स एक्स, देखो इनवर्स कब एग्जिस्ट है ना, इनवर्स तब एग्जिस्ट होगा दैट फंक्शन इज बाइजेक्टिव है, ठीक है। अभी ये क्वेश्चंस देखो, सो दिस इज एफ एक्स इक्वल टू, ये वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन है, देखो यहीं पे एफ एक्स इक्वल टू क्या है ना, एफ एक्स इक्वल टू, सो दिस इज व्हाट, टू टू दी पावर एक्स इंटू एक्स माइनस वन। सपोज इफ यू वांट टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन, सो दैट टाइम व्हाट विल डू, जैसे x का वैल्यू जीरो है, ठीक है, तो ये वन देगा, x का वैल्यू जब वन है ये भी टू टू दी पावर जीरो वन देगा, ठीक है। अभी देखो सो दैट मीन्स ये जो है ये क्या कौन सा है फंक्शन है ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा था, अपवर्ड पैराबोला है, सो लाइक दिस। यहीं पे क्या है देखो ये भी अपवर्ड पैराबोला है, सो लाइक दिस, ठीक है, क्लियर। अभी जब देखो x का वैल्यू जीरो से वन का बीच में कंसीडर करोगे, कोई एक वैल्यू हाफ है तो वन से छोटा होगा, सो लाइक दिस। ये जो फंक्शंस है वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शंस है, इसलिए मैंने इसको ऐसा करके ड्रॉ किया, ठीक है, क्लियर। अभी क्या है देखो ये जो फंक्शंस है, इस फंक्शंस का तुम्हें क्या करना है, इस फंक्शंस का इमेज फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू द लाइन दिस। सो तुम्हें ये जो पार्ट है देखो इस फंक्शंस का, क्योंकि ना यहीं पे एक्स का वैल्यू, मैंने होल ग्राफ ड्रॉ कर दिया, यहीं पे एक्स का वैल्यू वन है, एक्स जब वन है देखो टू टू दी पावर जीरो ये भी तो वन है ना, तो ये जो फंक्शंस है इस फंक्शंस का तुम्हें इमेज फाइंड करना है, ठीक है, इस फंक्शंस का। सो दैट मीन्स तुम क्या करोगे, एफ एक्स तो वाई है, तो वाई इज इक्वल टू क्या हो गया ना, टू टू दी पावर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है, so this implies that 2 to the power x square minus x, so that is equal to this, so this is x square minus x equal to is what, log y to the base 2 है, so this is equal to is what, तो x का वैल्यू क्या है माइनस बी, क्लियर, एक्स स्क्वायर, ठीक है। सो इसको आप माइनस बी भी लिख सकते हो, इसको माइनस करके इसको जीरो कर दो, so it will get, so x equal to 1 plus minus b square, b square is 1 plus 4 log y to the base 2 and so this is by 2 है। यहीं पे देखो जो x का वैल्यू है 1 से इन्फिनिटी है तो पॉजिटिव है, तो आप क्या करोगे, so this is पॉजिटिव 1 को कंसिडर करोगे, so this is what 1 plus 4 log of ठीक है, 4 log of y to the base 2, so this is by this, so therefore f inverse x क्या होगा ना, f inverse x is this, so this is 1 plus 4 log of x to the base 2, and so this is what, now this is divided by 2 and 1 नहीं होगा, so this is the inverse of a function. ऐसा करके आप inverse of a functions को find करोगे, ठीक है, clear? Now another functions, देखो f(x) equal to x plus 1 by x, देखो f(x) equal to x plus 1 by x, so this is, ये भी इम्पोर्टेंट फंक्शंस है, ये JEE एग्जाम में पूछा जाता है, तो मैंने पहले इसका ना एक कंप्लीट ग्राफ ड्रॉ कर दे रहा हूँ, क्लियर? तो इसका ग्राफ क्या होगा, देखो जब क्लियर, सो दिस इज व्हाट, ये इसका जो एसिम्प्टोट है, सो दैट इज y माइनस एक्स, एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी पे जीरो देगा, y इक्वल टू एक्स इसका एसिम्प्टोट है, तो इसका ग्राफ ऐसा होता है, सो लाइक दिस, एंड इधर से भी इसका ग्राफ क्या होगा, ऐसा होगा, ठीक है, ये कंप्लीट इसका ग्राफ है, लेकिन हमें क्या चाहिए, देखो हमें इस पार्ट का ग्राफ चाहिए, कौन सा पार्ट का ग्राफ चाहिए ना, जब क्लियर, सो दिस इज अ लाइन y इक्वल टू एक्स है, जब x का वैल्यू 1 है, तो x का वैल्यू 1 का मतलब क्या है, इस पार्ट का ग्राफ चाहिए, सो लाइक दिस, इस पार्ट का ग्राफ, तो इसका इमेज क्या होगा, सो लाइक दिस, इसका इमेज विद रिस्पेक्ट टू द लाइन, तो ये आपका f(x) है, ठीक है, ये आपका f(x) है, और ये आपका क्या है ना, सो दिस इज f इनवर्स x, ठीक है, सो ये f इनवर्स x फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे ना, y इक्वल टू x प्लस 1 बाई एक्स, सो दिस इम्प्लाइज दैट एक्स वाई इक्वल टू क्या होगा ना, एक्स स्क्वायर प्लस 1, सो दिस इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 है, ठीक है, क्लियर? सो दिस इज माइनस बी वाई प्लस माइनस बी स्क्वायर y square minus 4, so this is divided by 2 है, so therefore f inverse x, so this is what, x plus under root of, so this is x square minus 4, so this is by 2 है, f inverse x is what, x plus under root of x square minus 4 है, this is the inverse of this. पॉजिटिव 1 को क्यों कंसिडर किया ना, यहाँ पे x का वैल्यू पॉजिटिव है, y भी तो पॉजिटिव है ना, क्लियर? सो दिस इज मेन चीज x को देखना है, सो इसीलिए हमने यहीं पे f इनवर्स x किसका एलिमेंट है, x का एलिमेंट है, सो इसीलिए आपको इसको पॉजिटिव रखना है, ठीक है, ये था इनवर्स फंक्शंस. अभी नंबर ऑफ, अभी क्या है देखो, नंबर ऑफ इनवर्स फंक्शंस बिटवीन टू सेट्स, इनवर्स फंक्शंस कितना होगा, सो लाइक दिस, सपोज इनवर्स फंक्शंस एग्जिस्ट होने के लिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बोथ द सेट्स विल बी सेम है, सपोज यू कंसीडर दिस इज एक्स, दिस इज वाई, एंड हियर इसका जो इनवर्स फंक्शंस कितना होगा, सपोज यू कंसीडर दिस इज a1 a2, एंड सो दिस इज यू कंसीडर दिस इज an, एंड सो दिस इज b1 b2, एंड सो दिस इज bn, क्लियर? ए भी एन होना पड़ेगा, ए भी एन होना पड़ेगा, अदरवाइज इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट. तो नंबर ऑफ कितना फंक्शंस होगा ना, सो दिस इज एन पी एन, एन पी एन का मतलब क्या है ना, एन फैक्टोरियल, नंबर ऑफ आइडेंटिटी फंक्शंस कितना होगा, सो दैट इज व्हाट, सो दैट इज, ठीक है, माय आइडेंटिटी फंक्शंस, सॉरी, नंबर ऑफ इनवर्स फंक्शंस कितना होगा, सो दैट इज यू कैन से नंबर ऑफ इनवर्स फंक्शंस मींस n फैक्टोरियल, ठीक है, सो दिस इज, यहीं पे मैंने लिख दिया, क्लियर, ये मिस्टेक है, सो दिस इज इनवर्स फंक्शंस है, सो दिस इज इनवर्स फंक्शंस, नंबर ऑफ इनवर्स फंक्शंस इज n फैक्टोरियल, आपको ये फार्मूला याद रखना पड़ेगा, ठीक है. सो माय डियर फ्रेंड्स, ये था बेसिक आइडिया अबाउट इनवर्स ऑफ ए फंक्शंस है, क्लियर? अभी सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज शेयर दिस वीडियो टू ऑल ऑफ योर फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम एंड ट्विटर फ्रेंड्स, एज वेल एज ऑल सोशल मीडियाज अराउंड द वर्ल्ड है. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल RACE IIT. Thank you very much watching me and listening my work.